की खबर पर। विदिशा के सिरोज के शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय में सीएमएचओ ने किया निरीक्षण। कुपोषित की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग आई शिरकत में। विगत दिनों ग्राम पंचायत नेकान गांव रामपुरा में एक 6 माह की बच्ची कुपोषित का शिकार होकर मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि राजीव गांधी चिकित्सालय उपचार के लिए ले गए थे, लेकिन उसको यह कहकर लौटा दिया गया जब 1 वर्ष की बच्ची हो जाएगी तब ले आना, इसके बाद इलाज किया जाएगा। निराश होकर घर लौट आए थे परिवार। 2 दिन के बाद बेटी की मौत हो गई। CMHO ने हॉस्पिटल प्रबंधक अव्यवस्था को देखकर नाराज हो गए और जमकर फटकार लगाई। ज्ञात हो कि विगत दिनों स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कुपोषित 6 माह बच्ची सिरोज राजीव गांधी चिकित्सालय इलाज नहीं होने के कारण बच्ची की मौत हो गई थी। ग्राम पंचायत नेकान गांव रामपुरा में भोपाल से आई महिला बाल विकास अधिकारी यूनिसेफ शोभा रावत, डॉक्टर RS दिनकर, BMO सुपरवाइजर चंदा गौर मृतक बच्ची के परिजनों से जांच पड़ताल करने पहुंची। वहीं पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों से जानकारी जुटाते हुए कुपोषित व जो बच्ची टीकाकरण से वंचित है उनको तत्काल टीकाकरण कराया गया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि बलवीर यादव ने सुस्त रवैया को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी यूनिसेफ शोभा रावत से शिकायत की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर टीकाकरण नहीं किया जाता है। वह महिला बाल विकास अधिकारी से मैंने इस बच्चे की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया था, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई। शोभा रावत ने आश्वासन दिया कि इस मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है, जो वैधानिक कार्यवाही होगी वह की जाएगी।